Hello everyone, welcome back with the whole new episode of Broadcast Bus with Kirleen and Kushi. Welcome to Broadcast Bus with Kirleen and Kushi. So Kirleen, after your Khelo India, kidda da thoda reya Khelo India da experience ha? ऐ लग रहा मेरा इंटरव्यू होना आज इट वॉज गुड यार बहुत गर्मी सी एंड जो तो मैं लखनऊ सी मैंने चंडीगढ़ पता चला कि मी नहीं पिया बस इतने तेरा की हाल है तू की किता मेरे बगरो मैं तेरे बहुत मिस किता बट फिर मैं तेरे मैच भी देखिया तू मैंने भेजे सीगा कि तू उते अपना ब्रॉडकास्ट हो रहा थोड़ा है ना प्रॉपर लाइक यस यस माय गॉड मैंने बहुत वधिया लग गया तेने देख दे उन्हें ने कितना अच्छा तेरे लिए बोलिया है ना बोल रहे जड़े होस्ट सीगे इट्स अ रियली नाइस थिंग्स for you yes. like my girl yay so okay mainu lagda hai ki jinna nu khelo india bare nahi pata because jadon tu mainu dassa siga ta mainu vi nahi pata si ki like what is khelo india so and I did a little bit of research on it so apne viewers de liye research te mere liye vi jada main tonu dassna chahunni ha so khelo india is a national level event held in india where athletes from different universities compete karde nege different games de vich right and yes. is wari jada eh hoya siga so eh lucknow up de vich hoya si lucknow varanasi noida I guess noida vi si yeah te and main sunya punjab university टॉप कीती है ब्रो पंजाबियों ने उते ना रोशन करता अपना हाँ मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी सेकंड टाइम खेलो इंडिया विच टॉप कीती है विद 26 गोल्ड मेडल्स ब्रो लाइक इट वाज सो प्राउड मोमेंट फॉर अस यस आई गेस जो दो खेलो इंडिया नवा नवा ही सीगा उदो भी फर्स्ट टाइम पंजाब यूनिवर्सिटी ने ही टॉप कीता सीगा है ना राइट वाओ मतलब गुड रिसर्च ब्रो आई एम इंप्रेस्ड नाइस तो मैं ता सर्च की मैं लगे कि यू नो मेरी फ्रेंड खुद एक एथलीट हैगी है टेनिस प्लेयर है तो मैंने पता होना चाहिए कोई मैंने पूछ ही ले कि हाँ जी व्हाट इज खेलो इंडिया गुरलीन कितने गई डू यू इवन नो अबाउट इट समझ के चलो यार थोड़ा जहा पता होना चाहिए आई एम इंप्रेस्ड विद योर रिसर्च बाय द वे सो ओके आई जस्ट वांट टू नो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस किदा दा थोड़ा रहा जर्नी थोड़ी किदा दी रही मतलब जर्नी वाज मिक्स्ड इट वाज लाइक वधिया भी सी ते नेगेटिव भी सी थोड़े चीजा बट ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस बट बहुत सारी चीज़ें जो मैंने पसंद नहीं आई हैं खेलो इंडिया विच आई हैड हायर एक्सपेक्टेशंस बिकॉज नेशनल लेवल का टूर्नामेंट आ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट आ सो यू नो एक इमेज सेट हो जाती है कि इतना बजट है खेलो इंडिया का ब्रो आई गेस 1000 करोड़ समथिंग अप्रोक्सीमेटली इतना बजट सिगा राइट उदे बावजूद भी या मतलब आई डिडंट लाइक द स्टे आई डिड नॉट लाइक द ट्रांसपोर्टेशन एंड आई डिड नॉट लाइक द वे एथलीट्स नू मतलब कि खाने पीने दे भी किन्ने दिक्कत आ रही सी एंड लेट मी टेल यू पता किन्ने सारे एथलीट्स नू फूड पॉइजनिंग हो गई उत्थे जस्ट बिकॉज ऑफ द फूड ओह माय गॉड आई मीन ये तो यार इन्ना ज़्यादा बजट सीगा ठीक है एंड एथलीट्स जे तुसी उन्हां नू अच्छा फूड नहीं दे पा रहे हो अकोमोडेशन नहीं अच्छी दे पा रहे हो तो तुसी उन्हां तो किद्दां एक्सपेक्ट करदे हो कि एक अच्छा यू नो परफॉर्म करन एग्जैक्टली एंड फूड तो मतलब यार तुसी एक एथलीट बंदा उन्हूं किन्नी डाइट की लोड हुंदी है यू नो गुड डाइट The stay was also pathetic, bro. इन्ना बकवास stay सी ना मतलब दिल तक करता भाई तो पाज की मैं करे जावा मैंने तो अपने कार आंदी excitement ज़्यादा सी कि thank you मैं हुन कार जा रही हूँ अपने The stay was not good like so overall मतलब तेरा इन्ना good experience it was like okay showcase मतलब as compared to a national level कितने whole country में जिम्मे होना है उन्हें national से अपने India के national compare कितना जावे तो a big difference I think half of the money was just saved by the other people ki kehna sarkara da you know play India corruption nahi ja sakdi kadi matlab corruption India ch nahi matlab overall har passe hi corruption hai but at least bahar de loki you know athletes ne ya koi bhi unhan nu oh dende ne ki yes thodi aa मनी बांधिया या अकोमोडेशन एवरीथिंग वो देंदे ने कि वो यार अच्छा फील करन साड़ी कंट्री का नाम रोशन करन एंड इत्थे वो चीज बिल्कुल ही ऑपोजिट है एग्जैक्टली क्योंकि एथलीट ने ही अपने कंट्री का नाम रिप्रेजेंट करना होता है एंड अगर तू इनिशियल डेज से एथलीट दे हेल्प नहीं करते पे उन्हें प्रमोट नहीं करते पे व्हाई डू यू हैव सच बिग एक्सपेक्टेशंस कि आप ओलंपिक्स एशियन गेम्स जाके मेडल लेके आइए फिर देन आई थिंक आई शेयर्ड योर वीडियो इंस्टाग्राम पे Yeah. So in that video, मैं देखिया आपा कि किमे एथलीट्स नो मतलब there was no reservation उन आदि ट्रेन में वो थल्ले पूंजे सो के आ रहे सी वॉलीबॉल प्लेयर्स ही गए हो है ना I think उन लिखिया थे आई सी बाकी पता नहीं एंड
the day they reached, they were all hospitalized because khana was like so bad ki wo sare hospitalized. They couldn't perform, man. Bro, like, matlab thalle tak bechare pehke ja rahe ne. हाँ यार, मतलब दिस इज़ वेरी सैड है ना कि उन्होंने वो चीज़ दे विच बेचारे कितों अब ट्रैवल करके जा रहे होने ने जस्ट टू परफॉर्म एंड बेचारे बीमार हो गए उत्थे. चल अपार्ट फ्रॉम दैट, यू नो एक बैड थोड़ा सारा एक्सपीरियंस सीगा. एंड मैं सुन एक दिन देख रही सीगी कि क्या लाश के तो खुद का बड़ा बैड एक्सपीरियंस सीगा ब्रो. आई मीन ही वाज लाइक सो मैड. वो किन्नी उच्ची उच्ची रौला पा रहा है लाइक पता नहीं की हो गया. मैं तेन कॉल करन लगी सी उदो लाइक मैं क्या गुरलीन मैं पूछ रही कि व्हाट्स रॉन्ग की चल रहा उन्होंने इवेंट के उत्ते. देन वाज लाइक नहीं यार मे बी वो भी पूरे मजे ले रही होनी है. आई वाज ऑन मतलब मैं तो कॉन्सर्ट वांगू एंजॉय कर रही सी ब्रो. मतलब बिल्कुल कैलाश के स्टेज देते थे मैं इतने मैं वाला क्या थैंक यू. ओके ही वाज सो व्हाट हैपेंड. ही वाज आल्सो पिस्ड ऑफ बिकॉज़ ऑफ द मैनेजमेंट. बट पहला तो ने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की थी. पहला तो फर्स्टली उन्हें जड़ी लाइन सी काफी ट्रैफिक विच निकल के आना पड़ा. एंड ही रिक्वेस्टेड टू द मैनेजमेंट की स्पेशल लाइन होनी चाहिए आर्टिस्ट वास्ते भी कि उन्होंने ट्रैफिक विच इतना टाइम ना लगता ताकि वो टाइम सिर पहुंच पाते. फिर बाद इमेज बन जाती है कि आर्टिस्ट ऑलवेज लेट आउंदे आ. एग्जैक्टली. सो फर्स्टली ही वाज पिस्ड उस चीज देते उन्हें वो पिन पॉइंट करती चीज. उस तो बाद ही वाज परफॉर्मिंग ते उदी पीआर मैनेजमेंट मैनेजर सी कोई वो अपना काम करती पी सी. एंड सम ऑफ द मेंबर्स जो सिक्योरिटी वे सी उन्होंने मिसबिहेव किया उहदे नाल. दे वर ट्राइंग टू स्टॉप हर. उत्थे कैलाश खेर वाज लाइक आई एम डन विद इट. देन ही लैश्ड आउट सो बैडली कि मैं तो पूरा लाइव वेख्या आ गया. इदां वी हुंदा हुंदा लाइक. सो देख गर्लीन, आई मीन कैलाश खेर एक सिंगर है ठीक है. उन्हें अपना एक स्टैंड लेता उत्थे. एंड ऑन द अदर हैंड रेसलर प्रोटेस्ट जोड़ा चल रहा हैगा उदी ते कोई भी किसी भी सेलिब्रिटी या किसी भी बिग स्पोर्ट्स परसन ने किसी ने भी स्टैंड नहीं लेता. वेरी ट्रू. ठीक है, वो हजे तक यू नो कुड़िया जड़िया ने गिया कि हजे भी वो प्रोटेस्ट कर रही ने गिया कि सानू इंसाफ मिले. बट एटलीस्ट थैंकफुली उन्होंने FIR होन जाके रजिस्टर हुई है. यस, आई मीन कि मतलब आप देखते हैं कि जो थोड़ा इन्हों का प्रेजिडेंट है रेसलिंग फेडरेशन जी भी हैगी कि स्ट्रोंग परसन है यार. मैं एक दिन वो इंटरव्यू सुन रही थी यूट्यूब पर. मैं क्या भी है कौन ए परसन है ना. सो मैं उन्हें सुनती पई सी और उन्हें एक अपने इंटरव्यू के एक्सैप्ट किया कि मैं एक मर्डर भी किया हुआ आ ब्रिजभूषण शरण सिंह ने. एंड ही इज़ लाइक कि मैं किसी भी गवर्नमेंट ने मेरा कुछ भी कोई कर नहीं पाया. एंड जिथे इन्ना शरेआम तुसी पब्लिकली एक मीडिया दे उत्ते तुसी एडमिट कर रहे हो दैट तुसी कोई मर्डर किया आ. एंड देयर इज नथिंग, कोई भी थोड़े अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ले रहा हैगा. एंड जिहड़ी गर्ल्स सीगियां कुड़ियां ने गियां सत विक्टम है ना. ये भी कहते कि 2 साल पहला भी ये प्राइम मिनिस्टर दे कोल गईयां सीगियां यही सैक्शुअल हरासमेंट दे केस दे विच. पर तद भी कोई भी इन्हां दे देखिया नहीं गया, सुनवाई नहीं हुई उन्हां दी. ते हुण फाइनली उन्होंने फिर किता कि असी विल टॉक, असी अपने स्ट्रीट्स ते ही आ जाने, एटलीस्ट कोई तो साड़ी चीज़ सुने. सो उदो भी ये चीज़ आई गेस जनवरी दे विच स्टार्ट हुई. सो जेड़ा स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैगा वो उन्होंने कोल गई है अपनी अपील लेके कि एटलीस्ट तुसी साड़े लिए कुछ करो. एंड देन ही सेड कि ओके मैं एक कमेटी बिठाई उन्हें स्पोर्ट्स परसन की कि हाँ आप कुछ सॉर्ट कर दे, कोई सोल्यूशन कर दे है. बट वो भी उन्होंने कोई भी यू नो सोल्यूशन नहीं मिला. बट ब्रिजभूषण आई थिंक हटा दिता है. सिर्फ उन्होंने हटाया ही है, दैट्स इट, होर कुछ नहीं हैगा. तो यार तू ये देखी कोई सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस ने गए. एंड उन्होंने 7 कुड़ियों के विचों एक कुड़ी माइनर हैगी है ठीक है. एंड आई गेस ये एक पॉस्को एक्ट के अंडर ये FIR इन्होंने फाइल की हुई है. एंड वो एक्ट इन्ना पावरफुल है कि सैक्सुअली हरासमेंट जो एक बच्चे नाल की हैगी है एंड वो फ्रीली घूम रहा है बाहर. इतने कि जिते कई लोगों के जिमें मिनिस्टर्स ने या कोई पुलिस ऑफिसर उन्होंने करप्शन के केसिस होंगे ने गे तो उन्होंने जल्दी तो जल्दी वह यू नो कर लेंगे ने अरैसट कर लेंगे है कि हाँ जी तुम करप्शन की. एंड करप्शन तो वध के आई गेस सैक्सुअल हरासमेंट है. बिग थिंग ब्रो. यस, तो ये हजे भी कोई भी स्टैप नहीं लिया जा रहा है. आई मीन आई एम रियली सैड. आई सो आई रियली विश कि वह कुड़ियों को कोई ना कोई इंसाफ मिल जाए यार. वट डू यू थिंक अबाउट इट? I'm firstly, I would like to say कि मैनू तो इधर रेसलर प्रोटेस्ट चल रहा है, इट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क कि जो सारी चीज़ें होंगे पी हैं वाई दे आर नॉट लीडिंग टू एनी सोल्यूशन एंड वाई नो वन इज स्टैंडिंग फॉर दैम. उन्होंने सपोर्ट में कोई खड़ा क्यों नहीं हो रहा, कोई भी इस चीज़ के उत्ते क्वेश्चन क्यों नहीं खड़े कर रहा. लाइक आई थिंक अगर कोई जिमें गुड स्पोर्ट्स प्लेयर लाइक धोनी, विराट कोहली,
ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਗਰ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕਰਨ ਯਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਟ ਕੈਨ ਹੈਵ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਪੈਕਟ ਟੂ ਔਨ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਲਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦ ਅ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਟਸ ਨੋਟ ਰਾਈਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਔਰ ਬੈਡ ਟੱਚ ਆਲਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਥਿੰਗ ਫੋਰ ਅ ਗਰਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਟਰੋਮਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭੇਜਦੇ ਆ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ with your physical fitness with your money prize money is also different as compared to men recognition bhi alag hai and then there is lot of struggle mundiyan nu inna assault nahi kita janda jinna ek kudi nu assault kita janda mainu lagda hai ki jehda banda power da misuse karda hai ohde against koi na koi law hona chahida hai taki ek jive matlab ki recent jive case mainu pata hai main I think one of my friend only told me punjab university da ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਚ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀਗੀਆਂ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਕੋਚ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ ਦੈਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਗਿਵ ਹਿਮ ਦਾ ਰਾਈਟ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਅਸੋਲਟ ਕਰ ਸਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੋਲਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟੋਰਚਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਮੈਂਟਲ ਟੋਰਚਰ ਆਲਸੋ ਸੋ ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਟੱਚ ਤੇ ਬੈਡ ਟੱਚ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਐਟ ਵੈਰੀ ਯੰਗ ਏਜ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਫਰਟ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਲਰਨ ਦਾ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਆਲਸੋ ਬਟ ਯਾਰ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰਲੀਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਵੋ ਰਾਈਟ ਯਾ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਹਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੋਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਨਾ ਦਈਏ ਯਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲ ਬੇਸਿਕ ਪਲੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੂਗੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋ ਯਾਰ ਗੁਰਲੀਨ ਲੈਟਸ ਹੋਪ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਏ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏਗੇ अच्छे दिन मोदी जी नहीं आ रहे हैं एक ने सोचा कि 10 साल हो गया अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन आएंगे बट आई मीन गर्ल्स दे लिए मैनु लगता है कि सेफ्टी यू नो गेम्स दे तुसी कह रहे हो एदे विच भी नहीं हैगी ओवरऑल सोसाइटी दे विच भी कुड़ियां दी सेफ्टी कोई नहीं हैगी जिथे कि सानू सिखाया जांदा है कि दुनिया दे लिए तुसी जियो सोसाइटी तुहानू की कहेगी लिव फॉर सोसाइटी ठीक है एंड ऑन द अदर हैंड सोसाइटी तुहाडे लिए कदे भी नहीं खड़दी हैगी जिथे कि थोड़ी सरकार ही नहीं खड़ रही हैगी ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਲਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਨੋਰਮਲੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਸੇਫ ਕੰਟਰੀ ਹੋਵੇ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਸੇਫ ਨਾ ਫੀਲ ਕਰੀਏ ਸੋ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਕਿ ਕਮਿੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਇੰਨਾ ਸੇਫ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਸੇਫ ਵੀ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰੀਅਰ ਆ ਜੋ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਈ ਮੀਨ ਓਵਰਆਲ ਉਹੀ ਨਾ ਕਿ ਗੁੱਡ ਵਧੀਆ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੁੱਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਯਾ ਚਲੋ ਡਨ ਫਾਰ ਦਿਸ ਟਾਪਿਕ ਡਨ ਫਾਰ ਦ ਡੇ ਯਾ ਡਨ ਫਾਰ ਦ ਡੇ ਗਾਇਸ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਇਸ ਫਾਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਅਨਦਰ ਐਪੀਸੋਡ ਡੋਨਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਬਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂਡਲਸ